देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर गाइडलाइन जारी की है। भारत में अब तक इस नए वेरिएंट के कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस नए वेरिएंट को लेकर लोगों के कई प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों को लेकर गुर्जर हॉस्पिटल इंदौर के जनरल सर्जन डॉक्टर अभिषेक गुर्जर से वेब दुनिया ने कोरोना और उससे जुड़े नए वेरिएंट के बारे में विशेष बात की। आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर। कोरोना वायरस का JN1 वेरिएंट कितना खतरनाक है? JN1 जो वेरिएंट है ये माइल्ड म्यूटेशन वेरिएंट है और इसके बहुत माइल्ड सिम्टम्स है। इसमें मोस्टली फ्लू लाइक सिम्टम्स है, फीवर, सोर थ्रोट, जनरलाइज वीकनेस, ये इसके मेन सिम्टम्स है। GI सिम्टम्स की बात करें तो इसमें डायरिया के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं या हेपेटाइटिस के साथ भी कुछ पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। और इसमें अगर डेथ रेट की बात करें या अपन कोमोर्बिडिटीज की बात करें तो डेथ रेट्स इतने नहीं है कि नॉर्मल फ्लू की तरह अपन इसको ट्रीट करेंगे और जनरल प्रिकॉशंस टेक केयर करेंगे तो ये इजीली हम इससे बाहर आ सकते हैं। क्या इस वेरिएंट के लिए बूस्टर डोज की आवश्यकता है? बूस्टर डोज बिल्कुल लगाना चाहिए और खासकर जो कोमोर्बिड पेशेंट्स है उन्हें पूरा इम्यूनाइजेशन अपने को फॉलो करना जरूरी है। सर्दियों में कोरोना वायरस का खतरा कितना अधिक बढ़ जाता है? सीजन का ये इफेक्ट रहता है कि जो वायरस रहता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव रहता है ना। जैसे आपने सुना होगा कि अपने को वैक्सीन जो है वो रेफ्रिजरेटर में रखना है। ये सब चीजों का कारण क्या रहता है कि अगर हाई टेम्परेचर रहता है तो वो वायरस किल हो जाता है। तो यूजुअली क्या रहता है कि जब ये ठंडा सीजन आता है तो इसमें ये वायरस इजीली किल नहीं हो पाता। और इंडिया तो सन रिच कंट्री है तो यूजुअली हमारे यहाँ जैसे यूरोप, UK और यहाँ पे क्या रहता है कि जब सब माइनस डिग्री टेम्परेचर रहता तो यहाँ पे ये चीजें बहुत कॉमनली और बहुत अग्रेसिवली स्प्रेड होती। सर्दियों में वेकेशन के समय कोरोना के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, जो हमें यंग पॉपुलेशन का मूवमेंट जो कि फिट है उसे बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं करना चाहिए, इससे घबराने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन हमें जो ट्रांसमिशन है और प्रिवेंशन वो बिल्कुल ध्यान रखना है। हमें मास्क अप रखना है, अननेसेसरी ट्रेवल है तो उसे अवॉइड करना चाहिए, है ना। लेकिन हमें वर्क लिमिट नहीं करना है, है ना। और यूथ का मूवमेंट जनरली स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जो एडल्ट्स हैं, जो ओल्ड एज है, जो कोमॉर्बिड है, इन पेशेंट्स को प्रिकॉशन रखना चाहिए, उन्हें अभी नहीं ट्रेवल करना चाहिए। कोरोना के शुरुआती लक्षण क्या हैं? जो JN1 और HV1 वेरिएंट अभी दो यूजुअली आए हैं इनके माइल्ड कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट, फीवर, माइल्डिया मतलब हाथ पैर मांसपेशियों में दर्द और डायरिया, यूजुअली ये पेशेंट्स इसमें सिम्टम्स के साथ आ गए। ये कोई भी वायरस और फ्लू लाइक इन्फेक्शन जो होता है उसमें सब में ही माइल्डिया, जो मांसपेशी का दर्द, जनरलाइज वीकनेस, ये सभी वायरसेस में पाया जाता है। सिर्फ हम बोले कि ये कोविड वायरस के कारण कमर दर्द के साथ प्रेजेंट कर जाता है, ऐसा नहीं। जिन लोगों ने बूस्टर डोज लगाया है क्या उन्हें कोई खतरा है? नहीं, ज्यादा बूस्टर डोज, अब इसमें अपने को फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा कि ज्यादा बूस्टर डोज ऐसा नहीं है। जो अपने को शेड्यूल क्रिएटेड है या कोई नए वेरिएंट का बूस्टर आ रहा है तो हमें लगाने की जरूरत है, नहीं तो यूजुअली अब इंडिया पे जो कम्युनिटी इम्यूनिटी है जो स्प्रेड हुआ है उसमें यूजुअली जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कितनी देर और कितने करीब रहने से कोरोना फैलता है? देखिए, अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कि हमने और सामने वाले ने मास्क नहीं लगाया तो 3 मिनट्स का एक्सपोजर जो वो एडिक्वेट टाइम माना जाता है। अगर हमने एक ने मास्क लगा रखा है और दूसरे ने नहीं लगाया तो उसमें 50-60% चांसेस रहता है कि ये ट्रांसमिशन, और अगर दोनों ने मास्क लगाया तो फिर हमारा 90% चांस तक ये रिड्यूस हो जाए। तो जैसा कि पूरे अपना प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी बार बार पुश किया जा रहा है, तो जनरल प्रिकॉशन से हम ट्रांसमिशन रेट ही कट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
और खासकर जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जैसा हमने पहले बताया कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन पेशेंट्स को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि कम इम्यूनिटी के कारण जो नॉर्मल माइल्ड वेरिएंट भी है वो भी एग्रेसिवली प्रेजेंट करता है सिम्टम्स के साथ। तो एक बार वो चालू होता है फिर दूसरे सिम्टम्स को हार्म करता है, जो कि ऑलरेडी डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है,